ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपथगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान कामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम 13वें अध्याय के 8 से 12 नंबर श्लोक का जो है ना रिसाइटेशन चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसमें ज्ञान के पॉइंट्स बताए गए है ना। तो आज हमारे दूसरी क्लास है और इसमें हम कंटिन्यूशन करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान जिसे भगवान ज्ञान घोषित करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ होमवर्क होमवर्क किया होगा आप सबने। होमवर्क किया है? किसने किसने होमवर्क किया? होमवर्क याद भी है कि नहीं? नहीं है यार। इसी यस पढ़ना था हमारे वो पॉइंट को विनम्रता वगैरह इस नहीं, कल होमवर्क दिया था मैंने कि हमारे जो आचार्य गुरु हैं हिज होलीनेस भक्ति विनोद ठाकुर का जो गीत था जो है अमर जीवन सदा पापे रथ, उसको पढ़ना था। तो हमारे मेरे को तो खैर आरती माता जी आनंद दायिनी माता जी ने व्हाट्सएप कर दिया था पूरा गा के उसका ऑडियो, और पढ़ा भी हो गई उसकी अंडरस्टैंडिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब भी पढ़े पढ़े आशा तो अब पढ़े भी है तो अब आप कल के लिए आशा करते कल पढ़ लो, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा अपना एनालाइज हो जाएगा कि हम क्या है। हमारे जो आचार्य होते हैं ना वो लोग आम जनता की बुद्धि के विचार करते हुए ही ये सब चीज जो है ना लिख के डाला उन्होंने कि कैसे रहते हैं हम। वो अपने बारे में वैसे तो कह रहे हैं लेकिन वो खुद तो इतने बड़े शुद्ध जो है ना बहुत बड़ी आत्मा है, वो भगवान के शुद्ध जो है ना स्वयं भक्त है, भगवान के जो है वो पार्षद है, और वो अपने बारे में ऐसा लग रहा है कि अमर जीवन सदा पापे रथ, मैं हमेशा पाप में रहता हूँ, दूसरों की प्रसन्नता में दुखी होता हूँ, दूसरों के दुख में प्रसन्न होता हूँ, है ना, सदा कामी रहता हूँ, मेरे अंदर सिर्फ काम ही काम है, सदा भोगों की विलास में रहता हूँ, और जो है ना कोई भी जो है ना मैं पुण्य नहीं करता हूँ, सदा पाप करता रहता हूँ, सदा मिथ्याभाषी झूठ बोलता हूँ, मैं गलत वचन बोलता हूँ, और जो है ना बस अपने काम करने में लगा रहता हूँ, और जीवन में जो है ना सिर्फ जो है लोगों को अपने भोग के हिसाब से देखता हूँ। मतलब सारी नेगेटिव चीजें लिखी है उसमें कि जो कामी व्यक्ति है जो बद्ध अवस्था का व्यक्ति है वो कैसे सोचता है वो क्या करता है, तो वो हमारे लिए ही है बेसिकली, और वो समझेंगे तो हम समझेंगे कि उसका विपरीत जो होता है ना वो ज्ञान होता है ना। जितना जितना हम बद्ध अवस्था में हैं मतलब हम अज्ञान हैं, और जितना जितना हम ज्ञान को समझेंगे उतना उतना मुक्त होते जाएंगे, एक एक रस्सी को हम अपने हाथ पैर की काटते चले जाएंगे, जो बंधन है हमारे संसार के बंधन जो इस कुएं में हम फंसे हुए हैं एक जन्म मृत्यु के चक्र में, उसके बंधन कटेंगे कैसे, मुक्त कैसे होंगे, ये जब ज्ञान के बिंदु हमारे जीवन में हम आचरण में लाएंगे। ठीक
ठीक है, तो कल हमने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हम पॉइंट्स में सीधा पहुंच गए थे। कल हम पहला पहला पॉइंट जो था विनम्रता है ना, जिसको अमानित्वम कहा गया। अमानित्वम मतलब जहां पे मान की कोई अभिलाषा नहीं रहती है, खुद के सम्मान की भावना नहीं होती है, उसको विनम्रता कहा जाता है। ठीक है, तो विनम्रता में हमने कल पढ़ा था, भगवान ने 15.7 में बताते, मामेव मामेव जीव लोक जीव भूत सनातन मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानी कर्षति। मतलब सारे जीव भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं सारे के सारे, है ना। एक और श्लोक में कहते हैं ना, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता महा पवित्र ओमकार अहम ऋग यजुर श्याम एव च, है ना। कौन सा, 9वें अध्याय में शायद बोलते हैं कि मैं सभी का पिता अहम अस्य जगतो, पूरे जगत का पिता हूं मैं। माता धाता पिता महा, मैं ही माता हूं और मैं ही धाता हूं। धाता मतलब पालन करने वाला मैं हूं। तो जब भगवान सबके पिता है, भगवान सबका पालन करने वाले हैं, तो हम कौन होते हैं कि उनके इस प्रकृति में छेड़छाड़ करने वाले, है ना। किसी को भी जो है मारेंगे, किसी को भी तिरस्कार करेंगे, किसी का भी जो है ना, हमको एक एक ये चीज दिमाग में डालनी चाहिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, 14 लोकों का ब्रह्मांड है, उसके बाद एक लोक है पृथ्वी, पृथ्वी में भी एक छोटा सा देश है, उस छोटे से देश में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक छोटे से हम, कितने सारे जीवों में हम हैं। मतलब हमारी गिनती जो है ना, हमारी नजरों से अगर देखें तो एक चींटियों का झुंड है, उसमें से एक चींटी हमारी, हमारी स्थिति जो हम सोचते हैं एक चींटी के बारे में, एक चींटी के बारे में हम क्या सोचते हैं, बेचारी एक हम कुल्ला कर देंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा है। बेचारी कितनी मेहनत करती है, फिर भी मेहनत करती है वो, लेकिन क्या है उसकी वैल्यू, कुछ नहीं है हमारी नजरों में, कुछ नहीं, भूल से नहीं दिखेगी तो हमारे पैर के नीचे आके मर जाएगी। वैसे ही हम हैं भगवान की नजरों में, इतने सारे जीवों के जब सामने रहते हैं तो उसमें हमारी क्या गिनती। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमको किस बात का अभिमान करना है, किस बात का अभिमान। भगवान वैसे ही कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम, मैं सबकी इंटेलिजेंस मैं हूं, है ना। उसके बाद कहते हैं तेज स्मार्टनेस जो है वो भी मैं हूं। तो हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं, ये अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा का हमेशा हमें को विचार करना चाहिए कि भगवान ने मेरे को कृपा की है, इसलिए मैं इस लायक बना हूं, अदरवाइज मैं इसके लायक नहीं था, तो मेरे को अपमान नहीं करना चाहिए। एक चीज और अब इम्पोर्टेंट कि अगर हम सम्मान की कामना करेंगे तो सम्मान मिलेगा तब तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो दुख हो जाएगा, जो आशा किया, क्योंकि आशा ही दुखों की पाश है, आशा ही दुख का पाश है। जितना जितना आशा बढ़ेगी उतना उतना दुख भी बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत हम सम्मान सबको दे सकते हैं, है ना, देने के लिए हमारे पास सबके सबके लिए सम्मान है, लेकिन अगर हम सबसे सम्मान की आशा करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, सब सम्मान करेंगे हमारा, नहीं करेंगे, कुछ लोग कर लेंगे, सब क्यों करेंगे आपका सम्मान, लेकिन आप चाहो तो सबका सम्मान कर सकते हो। तो देखो, करने के लिए आपके अंदर है लेकिन लेने के लिए आपके पास नहीं है, इसलिए करना भी नहीं चाहिए ना, ना कि मतलब सम्मान तो करना चाहिए लेकिन आशा नहीं करनी चाहिए कि मेरा सबसे सम्मान हो, है ना। बाकी देखो, जैसे सुदामा गया था कृष्ण के पास, है ना, 3 मुट्ठी भर तांदुल पोहा जिसको बोलते हैं, चावल भी बोल सकते हो, वो लेके गया था, वो भी मंग के लेके गया था, तो मुट्ठी से छुपा रहा था वो कि भगवान देख न ले, इतने बड़े ब्रह्मांड नायक, वो बोले द्वारकाधीश के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, तो द्वारकाधीश के चरणों में ये जो दूंगा मैं, वो छुपा रहा था। सम्मान की उसने कभी कामना नहीं की थी, वो जो है ना यही सोच रहा था कि मैं कैसे दूंगा ये इतने बड़े द्वारकाधीश को, लेकिन उसको सम्मान कितना ज्यादा मिल गया, है ना।
हम देखते हैं भगवान जो होते हैं ना, कभी भी किसी को भी छोड़ते नहीं है। और बेसिकली सम्मान लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनको पॉपुलर होना है, उनका यश होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए। तो ये सब जो है ना, हमको कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। कभी अपने ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि मेरा यश हो, मेरा नाम हो, चारों दिशाओं में लोग मुझे पूजे, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। ये हमको कामना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना जितना हम कामना ये सब रखेंगे, उतना उतना टूटने पर दुख भी बढ़ता है। जितना बड़ा मोबाइल, जितना महंगा मोबाइल, उतना उसके घूमने का दुख ज्यादा। जितना छोटा मोबाइल, जितना सस्ता मोबाइल, उतना उसका कोई दुख ही नहीं है। चला गया तो चला गया, क्या फर्क पड़ता। तो एक बार ट्रेन में एक साधु पुरुष जा रहा था, है ना। साधु पुरुष के हाथ में ना बड़ी महंगी घड़ी थी उसके पास, जो है ना, उसको और भी जो है ना, उसके सामान थे, महंगे थे उसके पास एक दो सामान। तो आजू बाजू वाले लोग बोले, ये साधु है और इतनी महंगी घड़ी पहना है ना, इसके सामान भी थोड़ा महंगा लग रहा है। तो साधु से पूछे, आप साधु हो? बोले, हाँ मैं साधु हूँ। तो बोले, आप वैरागी हो? बोले, हाँ मैं वैरागी हूँ। तो बोले, आप इतनी महंगी महंगी चीजें लेके घूम रहे हो, हम कैसे मान ले आप वैरागी? तो साधु समझ गया कि ये लोग जो है ना, मेरी चीजों पे देख रहे हैं। तो स्टेशन आया, बोले, साधु चलो उतरते हैं, बात करते हैं। तो उतरे, सब लोगों से चर्चा कर रहे थे, जो भी भगवत कृपा चर्चा चल रही थी। ट्रेन चलना चालू हो रही थी, सीटी बजना चालू हुई ट्रेन की। तो बाकी लोग बोले, चलो चलो बैठे, चलना है हमको आगे। तो साधु बोले, आप लोग जाओ। तो क्यों? बोले, बोले आपका तो सामान सब ट्रेन में रखा है, आप घड़ी भी ट्रेन में उतार के आए हो। तो बोले, यही तो मेरी जो है ना आसक्ति रहित हूं मैं, जो जिसका सामान था, जिसने मेरे को दिया, ये किसी और के पास चला जाएगा। सामानों का क्या है, धन का क्या है, संपत्ति का क्या है, ये तो रोटेशन में चलता जाएगा। ये कभी मेरे पास, कभी तुम्हारे पास, कभी चौथे के पास, कभी दसवें के पास। इसलिए कामना नहीं करनी चाहिए, वैरागी होना चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है ना। तृणाद अपि सुनिश्चय न, तरोर अपि सहिष्णु न, मान इना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। जो इसका उल्टा भी समझेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधा ये श्लोक। तृणाद अपि सुनिश्चय न, मतलब अपने को तृण से भी छोटा समझना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णु न, मतलब वृक्ष से ज्यादा अपने को सहनशील समझना चाहिए, मानना चाहिए। मान इना, अपने मान की कामना नहीं करनी चाहिए। अमान मान इना मान देना, मान लेकिन देना सबको चाहिए, ऐसा आदमी सदा हमेशा कीर्तन करता है कृष्ण का, कीर्तनिया सदा हरि। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो सदा भगवान का कीर्तन करता है उसमें ऑटोमेटिक ये सारे गुण आ जाते हैं। उसमें क्या गुण आते हैं? वो मान की कामना नहीं करता, किसी से मान की कामना नहीं करता, मेरी पूछ परख हो, है ना, मेरे को लोग जाने समझे, ये सारी कामना है ना, दुखों का पाश है। इससे हमको दूर भागना चाहिए। तो हम देखते हैं कि महाभारत में जब युधिष्ठिर जी राजसू यज्ञ कर रहे थे, राजसू यज्ञ कर रहे थे, तब कृष्ण क्या कर रहे थे, किसी को मालूम है? कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? किसी को? यस, रूपाली माता जी बताइए। जूठे जूठे पत्तल थे ना भगवान जी, प्रभु जी, वो भगवान जी ने उठाए। जूठे पत्तल भगवान ने उठाए, ठीक है। और कौन सी सेवा ली थी? हो सकता है ये भी हो, इसका मेरे को जानकारी नहीं है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सेवा थी ना, जो उन्होंने दी थी, जो भी आ रहा था उसके पैर प्रक्षालन की सेवा, है ना। द्वारपाल, द्वारपाल नहीं थे, द्वार पे बैठे थे और सबका स्वागत कर रहे थे, और जो पैर धोने की सेवा थी ना, वो कृष्ण कर रहे थे। राजसू यज्ञ में जो भी आ रहा था, सोचो कृष्ण जो है वो ब्रह्मांड नायक हैं, उनके सब अंश हैं और वो सबके पैर धो रहे हैं। उनको जरूरत है क्या पैर धोने? उनका तो छे छेओ छे ऐश्वर्य उनके अंदर पूर्ण रूप से होते, तभी भगवान कहलाते हैं ना। पूर्ण रूप से श्री है उनके पास, पूरा पैसा है, जगत उनका है ना। उनके पास ज्ञान है, उनके पास वैराग्य है, उनके पास जो है ना
शक्ति है, उनके पास सुंदरता है, सब चीज उनके पास है, पूर्ण रूप से 100% है, सब कुछ उनका है, फिर भी क्या उनको जरूरत है? नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन अपनी सम्मान की कामना न करते हुए भगवान ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि हम समझें कि हमको हमारे सम्मान के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। भगवान अपने दास, अपने भक्त का जो है ना ड्राइवर बनना स्वीकार किया भगवान ने। पार्थ सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। क्या हम किसी का ड्राइवर बनना स्वीकार करेंगे? अरे कोई हमारी गाड़ी में पीछे ही बैठ जाता है ना, तो ऐसा लगता है अरे क्या हम ड्राइवर है क्या? आगे क्यों नहीं आ रहे हो? आगे आओ प्रभु जी, पीछे क्यों बैठे हो? आप क्या ड्राइवर है आपके? तो देखो ये सब चीजें ना, जितना जितना हम जीवन में लाएंगे ना, उतना उतना हम खुश रहेंगे। तो जितनी हम अपनी जरूरतों को कम रखेंगे, उतना उतना हम खुश रहेंगे, उतना उतना हम विनम्र रहेंगे। जितना ज्यादा जरूरतों को बढ़ाएंगे, उतना उतना द्वेष। एक्चुअल में मालूम क्या है, ये ना चीजें ऐसी है कि जितना जितना हमारे अंदर नेगेटिव आएगा ना, वो हमारे शरीर से झलकता है ना। जितना भक्त होते ना, वो लोग बड़े सादे होते हैं, हमेशा खुश प्रसन्न चित रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना। कभी भी कुछ भी बोल दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन जितना आप कामी लोग होंगे, संसारी लोग होंगे ना, उनका मुख देख गया है, मुंह बना हुआ है, मुंह बना हुआ है, हंसते नहीं है, मुंह से मुस्कुराते भी नहीं है, जैसे पैसा मांग रहे हैं हम उनसे मुस्कुराने का। अरे भैया हंस तो दे, नहीं नहीं हंसे। तो विनम्र रहना चाहिए एकदम, जो है ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, अपनी कामनाओं को कम करना चाहिए। तो इसमें एक शिक्षा अष्टकम का कल हमने, अच्छा वो तो वो इतना भी सुनी चीने वाला श्लोक कर लिया था। और इसमें एक एक आता है एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो थे, वो आप सोच सकते हो, जो नाम आचार्य हैं हमारे, नाम आचार्य की पदवी दी थी जिनको चैतन्य महाप्रभु ने, वो 22 बाजार में उनको जब मारने का दिया गया, उनको हुकुम दिया गया, तो भी वो जो है ना अपना क्या बोलते हैं, उन्होंने ये नहीं कामना की कि मेरे को मार क्यों रहे हैं, अरे बाप रे मेरी बेइज्जती हो जाएगी 22 बाजारों में, कैसे मार खाऊंगा मैं, ये सब नहीं आया। मुंह छुपाते नहीं फिरे, बोले मारो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को, जो है ना खंड खंड जाए यदि प्राण, छूटे नदी नहीं हरि का नाम, है ना। उनका बोले नाम मेरा छूटेगा ही नहीं, तुम चाहे जितने भी टुकड़े कर दो मेरे को। और क्या कहते हैं हमारे हरिदास ठाकुर, वो कहते हैं हे प्रभु, मैं हूं तो मंद भागा, परंतु आशा बहुत करता हूं। मैं यही चाहता हूं कि जो भी दास आपके चरणों का भजन करते हैं, उनका झूठा ही मेरा भोजन हो, मेरा प्रत्येक जन्म में वही एकमात्र भोजन हो। मुझे कुत्ता बनाकर भक्तों के घर में रख दो, जिससे उनका जूठन मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार की दीनता अथवा विनम्रता से ही, विनम्रता ही ज्ञान है। क्या कहते हैं हमारे हरिदास ठाकुर कि मुझे भक्तों के घर में कुत्ता बना दो, मेरे को वो चल जाएगा, मैं अब उनका जूठा बस खाऊं, ऐसी कृपा करो कि मैं उनका उचिष्ट खा सकूं, ताकि मुझे जो है ना आपकी कृपा मिलती रहे। ठीक है, तो विनम्र भाव ये होता है कि विनम्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दंभहीनता, है ना, अदंभित्वम, अदंभित्वम। तो अदंभित्वम के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि दंभ क्या है। कौन बताएगा दंभ क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। गलत आचरण करना, गलत नाम का प्रचार करना और अपना कार्य सिद्ध करना, ढोंगी, इसे ढोंगी भी कह सकते हैं। ढोंगी भी कह सकते हैं, गलत नाम का प्रचार करना, ये तो पॉइंट थोड़ा सा सुटेबल नहीं है। दिखावा बोल सकते थोड़ा, आचरण करना दिखावा भी बोल सकते हैं, सही कह रहे हैं गौतम दिखावा, प्रभु भी, नकलीपन। नकलीपन, बिल्कुल ठीक है। और एग्जैक्टली कौन बताएगा, और क्या कहता है दम्भ, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ये एकदम क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है दम्भ। दम्भ
प्रभु जी जैसे अभी बताए, यह सम्मान वगैरह जो नहीं रखते हैं, मतलब भावना नहीं रखना, मतलब सम्मान नहीं रखते हैं। सम्मान की भावना नहीं रखना कि मेरा सम्मान हो। मेरा सम्मान हो इस भाव इसकी भावना रखे जो ना ना रखता हूँ। ना रखता हो दम। ये नहीं, आप तो ये विपरीत दिशा में जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। दम्भ मतलब ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक कार्य कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मेरा सम्मान हो इसलिए वो धर्म में है, धर्म कर रहा है या ऐसा आचरण कर रहा है या गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में उसका पर्पस वो नहीं है, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ नाम है, यश है, फेम है उसका, है ना, ताकि मेरा नाम हो इसलिए मैं यज्ञ करा रहा हूं, ताकि मेरा सम्मान हो इसलिए मैं चार लोगों के बीच में, ओ यस प्रभु जी, हाँ मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, अपना नाम कराना, है ना, स्वयं के नाम के लिए अपने आप को धार्मिक आचरण में डालना, मतलब धर्म आचरण इसलिए करना ताकि सिर्फ और सिर्फ लोग मुझे धार्मिक समझें, मेरा नाम हो। तो ये होता है दंभ। और अब बता रहे हैं हमारे भगवान की दंभहीनता होनी चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए जो एक्चुअल हो। आप धार्मिक कार्य कर रहे हो तो सिर्फ धर्म के लिए करो, ना कि नाम के लिए करो, समझ रहे हैं ना। दंभहीनता, दंभ मतलब सिर्फ आज के जैसे एग्जाम्पल नेता हो गए, मतलब बहुत से लोग आते हैं आजकल, हमने भागवतम पाठ करा रहे हैं, हम जो है 10,000 जो है हनुमान का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा करा रहे हैं, है ना, क्या क्या करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, और हमारा फोटो होना चाहिए पोस्टर में, बड़ा वाला, सबसे बड़ा पोस्टर में फोटो हमारा हो जाए, भगवान का छोटा छोटा साइड में डाल। तो ये क्या है, दम है। नेता लोग आजकल इसी में आ रहे हैं, ठीक है आप लोग आयोजन करिए, हम फंडिंग कर देंगे, हमारा नाम कर देना ताकि लोग हमको धार्मिक समझे और वोट दे दे, अरे हिंदू नाम पे इस पे वोट दे दे, ये होता है दम्भ। ठीक है, तो इसमें हम प्रवेश करते हैं, दम्भ के बारे में क्या कह रहे हैं शील प्रभुपाद तात्पर्य में, है ना। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता, लोग अपने धर्म के में प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। तो लिखा है कि लोग एक्चुअल में उसकी साइंस को जानते ही नहीं, जुड़ जाते हैं ताकि जो है ना हमारा नाम हो और जो है खाली हम गुरु बन सकें, और क्या कह रहे हैं, फिलॉसफी क्या है, इस्कॉन की फिलॉसफी नहीं मालूम है लोगों को, दूर की तो छोड़ो, इस्कॉन में हमारे गुरुओं ने आचार्यों ने क्या कहा है, क्या निर्देशन दिया है, क्या शील प्रभुपाद चाहते थे हमसे, हम वो तक नहीं जानते, लोग जुड़ जाते इस्कॉन में। बहुत अफसोस होता है, मेरे तो भूले नहीं भुलाती, हम लोग गए थे केदारनाथ बॉम्बे वालों के साथ, दीक्षित भक्त है और उसको भोग लगाने नहीं आता, क्या ऐसा सोच सकते हो आप, ऐसा हो सकता है, दीक्षित भक्त है भैया, उसने कंठी धारण किया हुआ है और उसको भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया नहीं आती कि भोग कैसे लगाते हैं, सिर्फ नाम, मेरे को कंठी हो जाए, मैं टीका लगाऊं, लोग देखे मेरे को और मेरे को समझें कि मैं भक्त हूँ। कई लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं कि मेरा नेटवर्किंग बढ़ेगा, मैं जो है ना अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकूंगा, बैठ सकूंगा, और भी संप्रदाय में लोग इसलिए जुड़ते हैं ताकि अपना मार्केटिंग हो जाए, काम हो जाए, मैं जो है ना गुरु के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर लूंगा, ये एजेंडा ये होता है लोगों का। एक्चुअल में उनका एजेंडा ये नहीं है कि इस्कॉन से चाहिए क्या हमारे को, नहीं, उनको सीखना नहीं है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है, उनको खाली दिखाना है कि हमको ये कार्य करना है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है,
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात, वास्तविक प्रगति की बात है, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी के लिए हम जुड़े हैं, हम भगवत प्राप्ति के लिए जुड़े हैं, यहाँ पे कृष्ण के प्रेम के लिए जुड़े हैं, कृष्ण की कृपा के लिए इस कौन में आए हैं, तो उसका हमको बार बार अपने अंदर एनालाइज करना चाहिए। क्या मेरा ये जो टारगेट है, इसी टारगेट में मैं आगे बढ़ रहा हूं? यही तो विवाद हो गया आज की डेट में लोगों के अंदर, जो है ना, जुड़ तो जाते हैं, समय सब करते हैं, 16 माला भी करते हैं, लेकिन धीरे 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 पता लगता है, अरे मेरा तो मान सम्मान कम हो रहा है, मेरा पावर कम हो रहा है, अरे मेरे को तो पूछा कम जा रहा है, आजकल बेस में मैं आ रहा हूं, मेरे को पूछ नहीं रहे, क्यों मैं नहीं जाऊंगा फिर बेस में? अरे क्यों नहीं जाओगे भाई तुम बेस में? तुम क्या अपने सम्मान के लिए बेस में जुड़े थे? है, तुम क्यों जा रहे थे तमाल प्रभु जी के पास कि वो तुमसे पूछे, बुठाए, बुलाए, आइए आइए प्रभु जी, हाथ जोड़ के बिठाए, आपको प्रसाद खिलाए अपने हाथ से, आप वहां गए थे जगन्नाथ की कृपा के लिए, है ना, गौर निताई की कृपा के लिए गए थे, उनकी लिए गए थे, आपकी अपने सम्मान के लिए गए थे। ये चीज हमेशा दिमाग से निकाल देनी चाहिए, कोई सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दम भी नहीं होना चाहिए, है ना, हमको ये समझना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, एनालाइज करना चाहिए कि क्या मैं कृष्ण की प्राप्ति की जो जो शुरुआत किया था उसी में अग्रसर हूं कि नहीं, बस ये, और किसी के कार्य में दिमाग ही नहीं डालो, कौन क्या कर रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो जो कर रहा है वो अपने कर्मों को बना रहा है, वो अपना प्रगति खराब करेगा अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है ना, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है कोई गलत चल रहा है कि कोई सही चल रहा है, उससे क्या मिलेगा आपको? कहते हैं शास्त्रों में, अगर हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो हम उसको जबान से साफ कर रहे हैं, क्योंकि निंदा जबान से हो रही है ना, बच्चे की माँ उसको तो हाथ पैर पानी से साफ करती है, लेकिन निंदा करने वाला उसको अपनी जबान से साफ करता है और उसके सारे अवगुण अपने अंदर ले लेते, तो जितना हम दूसरों को देखेंगे निंदा करेंगे उतना हम गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं, जो निंदा कर रहा है, जो गलत कर रहा है, करने दो उसको, ऊपर वाला परमात्मा बैठा है देखने के लिए, हम नहीं है उसके लिए, हमको किसी ने जज नहीं बनाया, हमको किसी ने कोई ड्यूटी नहीं दी है, आपको अगर सीनियर ने ड्यूटी दी है कि प्रभु जी आपको देखना है तो ठीक है आपको देखना है, फिर आप बताइए सीनियर को कि हे गुरु हे प्रभु मेरे को आप जो जो काम दिया था सौंपा गया था सेवा दी थी उसके हिसाब से ये ठीक नहीं चल रहा है, इसका आचरण गलत है, ये है वो है, ऐसा आप बता सकते हो क्योंकि आप वहां के जो है सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको वो जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जब तक आपको जिम्मेदारी नहीं गई है तब तक आपको ये सब चीजें में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वह इन बातों को के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है, वो अपने इन सब बातों में जो है ना परीक्षा करना चाहिए उसको। कई लोग होते हैं जो दम्भी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं मालूम, भागवत कथा करेंगे सीधा 10वें स्कंद में रासलीला क्या जो है ना बोलना चालू कर देंगे, वो भाव की बातें करेंगे सीधा भाव की, ऐसे लोग होते हैं, अरे भक्ति सिर्फ भाव से होती है, भक्ति तो सिर्फ ये है, भक्ति तो ये है, अरे भक्ति तब होगी भाव से जब आप सामने वाले के स्वरूप को समझोगे कि वो ब्रह्मांड नायक है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कैसे है, उसने एक अंश में पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है ना, ये जब तक दिमाग में नहीं आएगा, साइंस नहीं आएगी, तब तक आप उस भाव से भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते हो। तो लोग जो है ना दम्भी लोग मतलब धर्म का आचरण इसलिए करते हैं, वो अपने आप को गुरु इसलिए बताते हैं, अपने आप को इसलिए बड़ा बताते हैं ताकि लोग समझें कि मैं बड़े भाव से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉपुलर होना, गुरु बनना, मान चाहिए, यही एक्चुअल में इन लोगों का पर्पज होता है। तो एक श्लोक आता है इसमें 17.5, इसमें भी थोड़ा सा रिलेटेड है, अपन चर्चा करते हैं 17.5 की। 17.5 इसमें कहते हैं, श्रद्धा के विभाग में ये श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए असुर कहे जाते हैं। तो जो दम भी होते हैं,
अहंकार से अभिभूत होते हैं और शास्त्र विरुद्ध होते हैं, है ना, उनको असुर कहा जाता है। तो दिखाएंगे अगर हम आचरण भगवान का, और एक्चुअल में पर्पस होगा पैसा कमाना मान, तो क्या हो जाएगा, वो असुर की कैटेगरी में चला जाएगा। देख रहे हो, स्लाइटली डिफरेंस जो है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे रहा है। आपके अंदर अगर भगवान की प्रेमा भक्ति है, उस कारण आप अपने आप को धार्मिक कार्यों में डाल रहे हो, तब तो आप सुर हो। लेकिन आप अगर धार्मिक कार्यों में अपने आप को डाल रहे हो और आपके अंदर दंभ है कि मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा मिले, मेरे को काम हो, तो वो क्या, असुर असुर हो जाओगे, आप असुर की कैटेगरी में चले जाओगे। सिर्फ विचारों का भेद है, जो दम्भी है और जो एक्चुअल में भक्त है, इन दोनों में दिखने में समानता होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम दिखेंगे, धोती कुर्ता कंठी सब दिखेगा, तिलक विलक सब दिखेगा, वो भी बातें शास्त्र वाली करेगा, वो भी शास्त्र वाली बातें करेगा, दोनों सेम दिखेंगे, सिर्फ अंदर का भाव बदल जाने से एक सुर बन जाता है और एक असुर बन जाता है ना। मतलब हमको कितना बारीकी से अपना एनालाइज हमेशा करना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर ये भावना ना आ जाए कि मैं ये खाली अपने नाम के लिए कर रहा हूं, नाम के लिए आ गया तो हम असुर बन जाएंगे। वो बात अलग है कि भगवान उसको वापस उठा देंगे, क्योंकि उसने 16 माला का संकल्प लिया है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन तुए प्रति जानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। भगवान, मैं बताया था 9वें अध्याय में कि जो मेरी भक्ति में अग्रसर रहता है, जिसने मेरे संकल्प लिया हुआ है भक्ति का, भले ही वो जो है ना गलत कार्य क्यों ना कर दे, है ना, उसको मैं तुरंत उठा देता हूँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको वापस धर्मात्मा बना देता हूँ, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की कृपा उसके ऊपर जरूर बन जाएगी, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर दोष देखना चालू करेंगे तो हमें तो भगवान बाहर ही कर देंगे, है ना। ये होती है दम्भहीनता, ढोंगी नेता, है ना। ठीक है, नेक्स्ट में हम प्रवेश करते अहिंसा। अहिंसा के बारे में क्या कहते हैं? अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना, है ना। तो सामान्य, एक कॉमन जनरल नॉलेज के हिसाब से अहिंसा का अर्थ होता है कि वध ना करना, किसी के शरीर को कष्ट ना पहुंचाना, है ना, मतलब किसी को चाटा ना मारना, किसी के हाथ पैर ना बांधना, किसी को किडनैप ना करना, है ना, और किसी को मारना नहीं। मतलब इसमें आप किसी भी जीव की बात चल रही है, किसी भी जीव मतलब इवन पशु पक्षी पेड़ पौधे, पेड़ों तक की बात चल रही है कि हम पेड़ पौधे को भी ना मारें, ना मारें मतलब जड़ से ना मारें उनको, जो है ना वध ना कर दे उनका, ये होता है अहिंसा। तो इसमें फिर कुछ लोग बोलेंगे पेड़ों से क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, तो उनको आप थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हो, पत्ते ते काट दो, है ना, उनका अगर गलत दिशा में बढ़ रहा है तो उसको 2-4 स्टेम को काट सकते हो ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन सीधा वध कर देना, उनको उखाड़ के फेंक देना, नहीं, बेकार है ये, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इसके अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाएगी हमारी, इसलिए हम इसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं। तो लोग बोलेंगे कि प्रभु जी कुछ तो सब्जियां ही जड़ में होती हैं, हम तो खाते हैं लेकिन अलाउड है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि धर्म बनाया गया है, देखो इंसान क्या खाएगा ये बनाया गया है शास्त्रों में कि क्या क्या हमारे खाने योग्य है, तो उस हिसाब से जो जो योग्य है हम वही खाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अन्यों को विपत्ति में ना डालना, अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना, मतलब आप उनकी कहीं प्लानिंग कर रहे हो ना, फंसाता हूँ इसको, बताता हूँ, है रुको ना रुको, इसका भड़काता हूँ इसके पिताजी को, इसके घर वालों को, और इसी से लड़ेंगे, फंस जाएगा, मजा आएगा अपने को। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरों को फंसा के मजे लेने वाले, वैसे नहीं, वो भी विपत्ति, वो भी अहिंसा की कैटेगरी में आएगा कि भैया ऐसा षड्यंत्र रचना कि सामने वाला जाल में फंस जाए, परेशान हो जाए तो वो भी अहिंसा की कैटेगरी में आए। लिखा आगे, देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं,
और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। तो ये बताया गया कि जो हम माया की सेवा में लगे हुए हैं, श्रम कर रहे हैं दिन रात उसके बारे में। अतः जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं एक्चुअल में अहिंसा ये है कि जो लोग बेचारे परेशान हैं, जिनको मालूम ही नहीं है, वो परेशानी से खाली अपने जीवन सुख के लिए, पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको मेन ज्ञान देना कि तुम उठो, है ना, जीव जागो गौर चंद्र बोले, को था निद्रा जाओ माया पीछा चीरे कोले, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, हे जीव उठो उठो जागो। हमारे जो है ना चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उठो जागो, जागो मतलब सोने वाले तो उठ सकता है, लेकिन जो जागा हुआ है, जो ऑलरेडी जो है ना आंख तो जिसकी खुली हुई है, निद्रा में नहीं है, उसको बोलते जागो जागो, है ना, अपने बुद्धि की परत से हटाओ, अज्ञानता हटाओ और समझो कि ज्ञान क्या है, और ज्ञान के द्वारा तुम इस अज्ञान में मत फंसो कि इस संसार में सुख है, ये मेरे हैं, अपने हैं, पराए हैं, ये इसका धन है, संपत्ति है, इसमें मत लगे रहो, इससे उठो, यही है एक्चुअल में अहिंसा, है ना। हम सुबह सुबह गुरु अष्टकम में भी गाते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। तो हम गाते हैं कि संसार दावा, संसार में आग लगी हुई है अपनी इच्छाओं की प्राप्ति की, उससे जो छुटकारा दिलाएगा ऐसे गुरु को प्रणाम, है ना। वो जो है ऐसी ज्ञान की वर्षा करेंगे जिससे ये जो अग्नि लगी हुई है इससे हम बाहर निकल सके, है ना। त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, त्राणाय मतलब परित्राणाय, ऐसे उद्धार करते हैं, ऐसे घन घनी वर्षा से उन लोग अपने ज्ञान की उद्धार कर देते हैं जिससे हम समझ में आता है। प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य, ऐसे प्राप्त करके जो है ना गुरु को मैं जो है ना धन्य हो गया। तो ऐसे गुरु हमारी जो है ना, हम अपने आप का ही एनालाइज करो ना, आज से 5 साल पहले जब भक्ति में नहीं थे हम क्या करते, खाली अपनी इच्छा इच्छा पूर्ति के लिए श्रम। अब जब समझ में आ गया है कि सुख जो है ना उसके लिए ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक सुख भी आ जाता है। जिस प्रकार दुख जीवन में आता है ना, दुख के लिए कामना नहीं करते, प्रयास नहीं करते, उसी प्रकार सुख भी जीवन में आ जाता है, उसके लिए भी कामना और प्रयास करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त करो, बस बैलेंस करो, कर्तव्य के रूप में करो, तो सब आ जाएगा। उसके लिए आपको दिन रात एक नहीं करना है, 12 घंटे की ओटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, 10 घंटे का ड्यूटी को 12 घंटा 14 घंटा खींच रहे हैं कि भैया पैसा आएगा कमाऊंगा मैं, उसमें नहीं करना चाहिए, है ना। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने की भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सकें, यही अहिंसा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, समझ पा रहे हैं ना क्या लिखा है, कि हमको लोगों को ज्ञान देना सबसे बड़ा ये अहिंसा कहलाएगी। तो इसमें एक श्लोक आता है ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 3, है ना, इसमें क्या क्या कहा है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा मृता तस्य अस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। मतलब आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से भरे हैं। आत्मा का हनन करने वाला, इसका मतलब समझते हैं क्या लिखा है, आत्मा का हनन करने वाला कौन होता है। आत्मा का हनन करने वाला मतलब जिसको मनुष्य देह मिला है और वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करता है, ऐसे आदमी को आत्मा का हनन करने वाला कहते हैं। मतलब आत्महत्या करने वाला, अपनी आत्मा का हत्या करने वाला ऐसा मनुष्य
जिसको मनुष्य जीवन मिला है और उसने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया है, ऐसे आदमी को आत्महत्यारा कहेंगे। तो यहाँ पे कहा है, जो आत्महत्या करता है ना, अपनी आत्मा का हत्या करने वाला होता है, उसको आगे चल के अंधकार वाले जीवन मिलते हैं, है ना। वो हमेशा नीचे के लोकों में, नरकों में चला जाता है और उसको कभी भी उद्धार नहीं मिलता। तो कौन है आत्मा का हनन करने वाला? जिसने अपने आप को भगवत प्राप्ति में नहीं लगाया है, आत्म साक्षात्कार के प्रयास में नहीं लगाया है। तो यही अहिंसा का अर्थ है। अहिंसा मतलब अपने आप को उठाओ, दूसरों को भी उठाओ, प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। ठीक है, आगे कहते हैं, सहिष्णुता नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जिसको संस्कृत में शांति ही कहते हैं। लिखा है, सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, है ना। मतलब टॉलरेंस, इंग्लिश में सहिष्णुता को टॉलरेंस कहेंगे, कि दूसरा अपमान किए जा रहा है। अभी कल परसों ही हमारे कुछ भक्तों का अपमान हो रहा था। है कि नहीं, हमारे श्री राम प्रभु बीच में हमारे साथ जुड़े हुए, श्री राम प्रभु, है ना। तो बेचारे जो है ना, थोड़े से मतलब डाउटफुल हो गया कि हम वैष्णव हैं, हमको कैसे अपना बर्ताव करना चाहिए। कोई आके गाली दे रहा है तो सुनते रहे, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? कौन बताएगा कि सपोज करो आप दो भक्त हो, चौक में बातें कर रहे हो, हरी चर्चा कर रहे हो, और तीसरा कोई आ गया, सपोज करो दारू पी के, और आपको गाली बकने लगे, ए तेरी ऐसी, तू ऐसा, क्या करोगे? क्या करना चाहिए? वहां से भगवान चले जी, जाना हरे चाहिए। क्या बोल हरे रहे कृष्ण, यार? हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी भगवान के सुनो। बारे में बोल रहे तो नहीं सुनना चाहिए, हमारे लिए बोल रहे तो सुन लेंगे। अच्छा, अगर हमारा तिरस्कार करे तो हम सुन लें, अगर भगवान का तिरस्कार करे तो ना सुने और उसको एक मुक्का मार दे उसके मुंह पे, दांत हमारे तो नहीं तोड़ प्रभु जी, हमारे की तो गलत के। अच्छा, होता मारे नहीं, सब। चुपचाप चले जाओ वहां से। ठीक ना उनको फिर वहां से हट जाने का क्या है, वो थोड़ा तो बोलना चाहिए उनको, नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। है, बताइए गौतम प्रभु, आपका क्या विचार है? प्रभु जी वहां से चले जाना चाहिए अगर, क्योंकि वो नशे में है और ऐसे, तो वहां से जाना ही उचित है उस केस में। अच्छा, दोनों, और सत्यम प्रभु का मैसेज है, दोनों केस में नेगलेक्ट कर देना चाहिए, चाहे वो हमारा तिरस्कार करे, चाहे कृष्ण का तिरस्कार करे, नेगलेक्ट करके चले जाना चाहिए। ठीक है, और कौन बताएगा अपना अपना मत? अमृत प्रभु मुस्कुरा रहे, आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण बाबू जी, वो भगवान के बारे में बोल रहा है या कृष्णा की गुरु गुरु के बारे में बोल रहा है या किसी सीनियर वैष्णव के बारे में, तो अब उसको मारना नहीं चाहिए प्रभु जी, पीटना चाहिए। मारना नहीं चाहिए, उसको पीटना चाहिए, पकड़ पकड़ के धुलाई करनी चाहिए उसकी रोड में। ठीक एकदम है, हाँ एकदम, और ठीक मेरे है, बारे में हाँ बोलेगा तो भले मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है, एकदम सही कहा प्रभु जी ने, एकदम सही आंसर है, 100% मार्क्स, फुल मार्क्स टू अखिल अमृत दास प्रभु, कि अगर वो सिर्फ मेरे बारे में बोले तो हमको सहन कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बारे में कह रहे हैं ना, लेकिन दूसरे वैष्णवों के बारे में, कृष्ण के बारे में, गुरुओं के बारे में अगर उसने कुछ भी चूचा की ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए उसको। या तो देखो, ये एक परिस्थिति होती है कि आप की स्थिति नहीं है, आप वहां कुछ कर नहीं सकते हो, आपकी जो है सीनियर लोग हैं, आपके परिवार वाले सपोज करो बड़े लोग हैं, आप उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, आप वहां कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है वहां पे रिएक्ट करने की, तो चुपचाप निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है ना, और आप जो है ना रिएक्शन दे सकते हो, अपना विरोध दर्ज कर सकते हो, तो विरोध दर्ज करना चाहिए, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो दो चार मारने में भी कोई बुराई नहीं, लगा दिए दो चार। हनुमान जी ने तो यही किया था ना, जब तक उन पे बात आई तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया,
लेकिन जब प्रभु श्री राम पे बात आई तो उन्होंने पूरे लंका में आग लगा डाली। आग वैसी होना चाहिए, कभी भी ऐसी स्थितियों में मतलब ये इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या हमारी स्थिति क्या, हम मतलब विरोध करना है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते। कई जगह आप 50 लड़के खड़े हैं, वो कृष्ण को बोल रहे हैं और आप अकेले हो, तो आप जाके बोलोगे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम लोग कुछ भी बोले तो। अरे आपकी स्थिति नहीं है, आप चुपचाप वहां से निकल जाओ, मत सुनो। पता पड़ गया ना ये लोग गलत बोल रहे, चुपचाप निकल जाओ वहां से, मत सुनो ही मत, कान बंद कर लो, हरे कृष्ण करते हुए निकल जाओ, है ना। लेकिन अगर आप विरोध कर सकते हो तो विरोध करो, विरोध नहीं कर सकते हो, मार सकते हो तो मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं सुनना चाहिए किसी भी वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, ठीक है। तो हम कल इस पे चर्चा करेंगे, और सहिष्णुता पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। यस जी। यही प्रभु जी, जो चर्चा चल रही थी कि अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग गए भी थे तो बहुत लोग ऐसे मिलते थे जो कुछ भी बोल देते थे, हम लोग सड़क में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो कई लोग ऐसे भी लोग भी टकराते थे कि क्या कर रहे हो, ये है। बहुत लोग कुछ ना कुछ बोल बोल के भी गए हैं यहाँ पर, फिर भी हमने सभी को इग्नोर किया है इस चीज में कि गीता को आप सड़क पे ले आए, कैसे पंडित जी टकरा गए थे, ऐसे कोई बांटता है क्या? ये तो बहुत पवित्र चीज है, कोई शराबी है, कोई गाली भी दे देता था। तो इस कंडीशन में प्रभु जी ज्यादा तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन हाँ इग्नोर कर देते थे सब, कि कितना बहस करोगे लोगों से कि भैया ठीक है ऐसा करके। तो ऐसे ही रहा डिस्ट्रीब्यूशन वही में। बात है ना, जैसी कैपेसिटी रहेगी वैसे आप दिए, उस समय सबसे बहस करने का समय नहीं है, इसलिए आप छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, है ना। और जो बोल रहा है उसको ठीक है यार, जाओ आप, हम आपसे बात नहीं करते, निकाल लो उनको, दूसरी जगह काम पे लगो, क्यों समय व्यर्थ करना अपना, है ना। तो ठीक है, सही है, और ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसे लोग मिलना ही आपकी परीक्षा है कि आप अपने आप को कौन सी स्थिति में ला के रखे हो, आप सहन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी अपनी अपमान हो रहा है आपका तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब चीज की ही परीक्षा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप जितना जितना अपने आप में काम करोगे उतना अपना आप उन्नत होते चले जाओगे, उतना उतना आपको सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी। तो आप समय देखते हुए देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कदम ले सकते हो, समय काल परिस्थिति देखते हुए आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि इस समय मेरे लिए सबसे उपयुक्त क्या है, मैं वो काम करूं, ऐसा करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मारो पीटो, जरूरी नहीं है, आप विरोध दर्ज करके निकल जाओ, प्रभु जी हाथ जोड़ रहे हैं, मैं ना, मेरे से ये सब बात मत करिए आप। आपको जो समय काल परिस्थिति देखते हुए जो सही लगता है वो करना चाहिए। जी प्रभु, क्योंकि प्रभु जी ऐसे में सब, जैसे आप कहीं संस्था में हो तो लोगों को मतलब टेस्ट भी करते हैं कि इसके अंदर कितनी क्या श्रद्धा है, क्या सहनशीलता है, या पुराने ही जैसा है वही गुस्सा करता है, तो ऐसा लोग देखते भी हैं। इसी कारण मतलब अपने अंदर क्या स्वभाव या बदलाव आया वो भी देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है हमेशा गुस्सेल भक्त हो जो जहां जा रहे हो मार कुटाई कर रहे हो ये जो इसीलिए है हाँ, खराब होती है कि आप में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया ऐसा। समय काल परिस्थिति देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए कि ये समय ये इस परिस्थिति के हिसाब से ये उपयुक्त है, ठीक है। मैं ये एक सोच छोटा के सा खोलता अनाउंसमेंट, प्रभु जी कि जैसे मतलब इसको भी ज्ञान नहीं, मतलब इस तरह से छोड़ देता हूँ, मतलब ऐसा सोचते हुए, हाँ वो भी ठीक जैसे जैसे आपने बोला ना ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके आता है, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब लेकिन बस ये है कि हमको स्वीकार करके उसकी में सुनना नहीं चाहिए बात को, या तो निकल जाओ कान बंद करके, अंदर अपना कुछ और चालू कर लो, निकल जाओ, या फिर विरोध नहीं, दर्ज करो, मैं कैपेसिटी फिर है तो। टॉपिक चेंज कर देता हूँ जिससे कि मतलब वो उस चीज से हट जाए। मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशन रहती है कि मतलब जब मान लीजिए बात करना है उससे तो टॉपिक चेंज कर देता हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है,
जनवरी एंड में एक 4 दिन की यात्रा हम लोग का प्लान कर रहे हैं, जो है पंढरपुर की यात्रा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हमारे इस गृह इस्तेमाल कृष्ण प्रभु जी भी उसमें साथ में रहेंगे। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, 2 4 दिन में उनका फाइनल हो जाएगा, और मंथ एंड में प्रोग्राम है 3 से 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 4 दिन का रहेगा। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं वो कृपया अमृत प्रभु को मैसेज कर दें, तो हम लोग अकॉर्डिंगली सब प्लान कर लेंगे वहाँ पे रहने का, आने जाने का, है ना। विट्ठल भगवान का वहाँ मंदिर देखेंगे, 1.5 दिन का वहाँ पे रहेगा टोटल स्टे, बाकी 1.5 दिन जाना 1.5 दिन आना, ऐसा रहेगा। लगभग लगभग 4 से 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 4 साढ़े 4 5 दिन का मैक्सिमम। जनवरी एंड में 25 26 27 के आसपास निकलेंगे, ठीक है। प्रभु जी, ये जो आपने जड़ वाला बताया था ना कि मतलब कुछ पेड़ पौधे हैं जिनको जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, ऐसा करके, तो एक दो बार मैंने क्या किया, जैसे तुलसी जी का पौधा है और काफी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने तुलसी जी के पौधे को जड़ से ही उखाड़ के दूसरी जगह स्थानांतरित किया था, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना प्रभु जी। भाई जड़ से उखाड़ के आपने स्थानांतरित किया है तो उसका जीवन तो नहीं गया ना। नहीं गया, लेकिन एक का चला गया था गलती से, ऐसा हुआ था तो गलत है ना। जी। जीवन एक्चुअल में हमको प्राणहीन नहीं करने है ना, किसी के प्राण नहीं निकालने हैं। प्राण निकालना ही जो है ना एक्चुअल में खतरनाक है। तो जी ऐसा आपको एक्सपर्ट से पूछ के समझ के करना चाहिए ना। आपको जब मालूम नहीं है ठीक से तो फिर आप क्यों कर रहे हो खुद से? पहले पूछो 4 लोगों से कि कैसे इसको स्थानांतरण किया जाए, है ना, ताकि इसको जो है ना प्रॉब्लम ना हो पौधे को। ऐसा सोचना, ऐसा दिमाग में लाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो फिर माफी मांग लेना उनसे। ओके। जी प्रभु जी, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी कृष्णा भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौतम श्री हरि नंदी, बोल, हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि।